कसूरी मेथी का कसूर क्या था? कोई कसूर नहीं था, उसका प्यार था। भाई आज की वीडियो में जिस जगह पे आपको लेके जा रहा हूँ ना, पीछे खूबसूरती चेक कर रहे हो, ऐसा ही खूबसूरत वहाँ पे खाना मिलता है। 100 किलोमीटर दूर जाते पाजी और 100 किलोमीटर दूर से स्वाद लेके आते हैं इस शहर के अंदर वो खाना बेचने के लिए, और ऐसा खाना कि भाई खाने के लिए लाइनें लगती है, तो फटाफट आ जाओ। भैया राम राम जी। राम राम जी सर, थैंक यू सबसे पहले तो आपने अपना टाइम दिया। वेलकम सर। सर मैंने सुना 100 किलोमीटर दूर रोज आते हो आप बेचने कुछ शहर के अंदर। सर सुना आपने, सही सुना आपने। और क्या बेचते हो सर आप 100 किलोमीटर रोज दूर आके? यही न्यूट्री कुल्चा बेचते हैं भैया। न्यूट्री कुल्चा? भाई ये चेक करो, पंजाब का स्पेशल न्यूट्री कुल्चा। वाह क्या एकदम थिक न्यूट्री है। पर सबसे पहले तो नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम रोहित है और दुकान का नाम भी रोहित ही है, रोहित अमृतसरी न्यूट्री। क्या बात है, आपका नाम भी रोहित है और दुकान का नाम भी रोहित ही है। रोहित और ये 60 रुपए भाजी प्राप्त हुए है ना? जी जी। और 100 किलोमीटर दूर आते हैं आप एक न्यूट्री कुल्चा बेचने के लिए? 100 आते हैं, 100 घर वापस जाते हैं। क्या बात है यार। और रोहित भैया क्या क्या रहता है अपने पास? मेरे पास न्यूट्री कुल्चे के अलावा मट्टी चना है, ठीक है जी, बीघा कुल्चा है, ठीक है, चना कुल्चा है, ग्रेवी चाप है, अमृतसरी रबड़ी फिरनी बोलते हैं जिसको। अच्छा, वो भी है। फिरनी भी बेचते हैं। और पीने में लस्सी नमकीन है। वाह में ना बहुत पानी आ गया, एक एक करके आइटमें दिखाते हैं। ये तो भाई ये सामने न्यूट्री है, ये न्यूट्री कुल्चा है, इसको अभी हम रोगन वाली अभी तैयार हो रही है, अभी तैयार करने। सामने कुल्चे दिखाइए रोहित भैया, कौन से कुल्चे हैं? ये कुल्चे अमृतसरी है जिसको पाठ वाले कुल्चे भी बोलते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से आप डेली अप डाउन कर रहे हैं क्योंकि ये कुल्चे और कहीं नहीं मिलते। ये देखो भाई एकदम बढ़िया कुल्चा हुआ, और ये अमृतसर का स्पेशल कुल्चा है ना सर? अमृतसर स्पेशल कुल्चा। अरे वाह वाह वाह, कुल्चा तो देख लिया भाई। अब रोहित भैया दिखाने जा रहे हैं अमृतसरी स्पेशल मट्टी, मट्टी छोले भी होती है। ये भी अमृतसर से आती है, ये भी अमृतसर से रोज आते हैं। ये देखो भाई पापड़ी भी बोल सकते हैं, ये बहुत लाइट वेट होती है। अरे वाह, खाने में इतनी क्रिस्पी होती है, खाने में मजा आ जाता है। ठीक है, ये सामने एक बार भाई मेरी जो नजर है ना चने पे जाके बार बार रुक रही है, एक बार आपको छोले दिखाता हूँ। ये देखो जी अमृतसरी चने एकदम बढ़िया, और भाजी प्याज लहसुन रहता है इसके अंदर? इसमें कुछ भी नहीं होता ना, लहसुन ना प्याज ना घी टमाटर, बिना तड़का के सर मसाले, मसाले का सर मसाले का। और न्यूट्री तैयार करके दिखाइए भाजी एक बार। लो लो सर, न्यूट्री तैयार करके दिखाते हैं भाई। न्यूट्री तैयार करवाते हैं, फिर सारी एक एक करके प्लेट लगवाते हैं और आपको स्वाद बताते हैं। सबसे पहले आएगी मेथी, ये आ गई ऊपर कसूरी मेथी, फिर आएगी गाजर, ये आ गई गाजर। अच्छा रोहित भैया एक बात पूछनी चाहूंगा आपसे। जी जी पूछे पूछे। ये कसूरी मेथी का कसूर क्या था? कोई कसूर नहीं था, उसका प्यार था। तो उसका प्यार है तो उसका नाम कसूरी क्यों पड़ गया? वो फ्लेवर देती है ना। अच्छा, और ये आगे शिमला मिर्च एकदम बढ़िया, पूरा न्यूट्री का मेकअप किया जाता है। मेकअप किया जाता है जी। ये देखिए ऊपर प्याज आ गए, मेकअप होगा तभी अच्छा लगेगा। क्या बात है। और किसी भैया एक ना दुकान में कोई महान शख्स मिले थे। जी जी। उन्होंने कहा कि बिना मेकअप के तो अपनी वाइफ नहीं सुंदर अच्छी लगती। सही बात है, नहीं अच्छी लगती। सही है जी। ये देखो ऊपर बटर डाला गया, सामने बटर रखा हुआ तवे के ऊपर ही पिघला हुआ, और न्यूट्री के अंदर बटर आ गया, और ये सारा मसाला मिलाया जाएगा। वहाँ ये सर अमृतसरी स्टाइल है न्यूट्री का ना? जी जी जी, सारा स्टाइल अमृतसरी का ही है। ये देखिए यार एकदम बढ़िया, ये देखो यार ये ऊपर आ गया एकदम बढ़िया पनीर। वाह, और न्यूट्री तैयार है अभी रोहित भैया? अब तैयार है, अब प्लेट लगेगी आपकी। ये देखो भाई ये न्यूट्री लग के तैयार है, फटाफट अभी प्लेट लगवाते हैं। कुल्चों को ग्रेवी लगाई जाएगी। ये देखो यार ये अमृतसरी भाषा में इसको बोलते थे लिबड़ा कुल्चा है ना भाई? लिबड़ा कुल्चा। कुल्चा पूरा ग्रेवी के अंदर लपेट के इसके अंदर ग्रेवी का स्वाद चला जाएगा पूरा, इसके बिना कुल्चे का मजा भी नहीं आएगा। ये देखो भाई एक बार पीछे से एकदम परफेक्ट कुल्चा हो गया। ये प्लेट आ गई, प्याज हरी चटनी साथ में। ये देखो भाई एकदम बढ़िया ग्रेवी और उसके ऊपर ही मक्खन, मतलब अकेला नाम अमृतसर नहीं है भाजी, प्रॉपर अमृतसर ही है। आप तो अमृतसर से आते हैं तो अमृतसर का नाम तो हमें रखना पड़ेगा बरकरार, क्वालिटी देनी पड़ेगी। क्या बात है, ये आपकी प्लेट तैयार है। ये देखो जी प्लेट लग के तैयार है, अब एक लगवाते भाजी वो भीगा कुल्चा। भीगा कुल्चा लगा देते हैं जी। ये भीगा कुल्चा की प्लेट लगने जा रही है जी। इसको सबसे पहले चने में डुबकी, ये देखो जी भिगोया जाएगा, चने में डुबकी लगाई जाएगी जी कुल्चे की। अब इसको प्रॉपर डुबोया जा रहा है, ये सारे फ्लेवर भाई ये चूस ले है ना भाजी? जी जी जी, चने में जितना भी मसाला है जी सारा कुल्चे के अंदर आ जाएगा एकदम बढ़िया। और ये देखो जी कुल्चा फोल्ड होके हुआ कुल्चा एकदम भाजी मलाई हो जाता है, मलाई मलाई बिल्कुल मलाई हो जाता है। ये देखिए ऊपर छोले आ गए, और जो खुशबू है ना भाई अमृतसरी छोले की वो बहुत ही कमाल की है यार। वही तो सारा फ्लेवर अमृतसर का। सही है जी, वो ना मिला तो फायदा क्या है। बिल्कुल सही है। ये देखो जी ये प्लेट लग के तैयार है एकदम बढ़िया, और खाते स्वाद बताते हैं। ये भाई अमृतसरी न्यूट्री एकदम बढ़िया, अमृतसर के बाहर अमृतसर का फ्लेवर। ये देखो एकदम बढ़िया अमृतसरी कुल्चा, और पूरा लपेट के ग्रेवी लगाई हुई है, अच्छा बटर डाला गया है। हाँ ये कर लो पहले। ये देखो ये बाइट तैयार है,
न्यूट्री कुलचा दिल्ली का भी खाया, न्यूट्री कुलचा पंजाब में बहुत सारे शहरों का खाया, पर मेरा पर्सनली जो न्यूट्री कुलचा स्वाद मुझे लगता है ना, वो लगता है भाई अमृतसरी स्टाइल, ऐसे ही ऊपर ये सब्जियां वब्जियां डाल के। देखने में जो मेरे भाई बाहर से देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं खाया उनको लगेगा बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, प्रॉपर बैलेंस फ्लेवर है। ये देखो एक बार आप पास से, और ये ना बेसिकली न्यूट्री जो होती है ना, तरी होती है अलग, न्यूट्री होती है अलग, ये वो हिसाब नहीं है, ये दोनों का मिक्सचर है, प्रॉपर सब्जियां बोल सकते हो वैसा ही हिसाब है। इसके साथ चाहे आप कुलचा एंजॉय कर लो, ये स्वाद है, बाकी अभी आपको भीगे कुलचे का भी स्वाद बताता हूँ। ये आ गई है प्लेट अपनी भीगे कुलचे की, भाई दो चम्मच दिए हैं, जो दो लोग आते होंगे वो खाते होंगे, मैं तो भाई अकेला ही हूँ, या एक चम्मच आपकी तरफ कर दिया, आप खा लेना। थैंक यू, बड़े प्यार से कट होके ना, ये रहा जी कुलचा, प्रॉपर छोले के अंदर डिप। भाई जो बाइट है ना, प्यास को करनी पड़ी है, ये ऐसी चीज़ है बिना दांत वाला भी खा सकता है। कुलचा डिप करने की वजह से एकदम सॉफ्ट हो गया कुलचा, पहले ही अमृतसर का सॉफ्ट होता है, और ज़्यादा मलाई हो गया, बढ़िया फ्लेवर है। अगर छोले कुलचे ट्राई करना चाहते हो तो ये चीज़ ट्राई करना, पर मैं रिकमेंड करूँगा अगर इस दुकान पर आ रहे हो ना तो भाई न्यूट्री, वो है इश्क, वो आगे ज़रूर ट्राई करना। और ये धमाल लगा ना आगे वाला, कमाल बेमिसाल। अभी दोपहर हो गई है, ट्राई वो सुबह किया था, पर आपको दिखाता हूँ सुबह नाश्ता कितना कमाल किया हमने। चलो सीधा आ गया ओल्ड सिटी के अंदर, एक बेहतरीन नाश्ता दिखा रहे हैं। अंकल जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम। थैंक यू अंकल, सबसे पहले तो आपने मेरा टाइम दिया, मैं देख रहा हूँ बहुत ही पुराने स्टाइल की दुकान है भाई, आप एक बार दुकान का सेटअप देखो हुआ, और यहाँ पे पूरियाँ बनाई जा रही हैं, सामने कढ़ाई लगी हुई एकदम गर्मा गर्म पूरी निकाली जा रही है, ये देखिए पूरी। अंकल नाम क्या आपका? मेरा नाम नरेंद्र है लाडी। लाडी अंकल कितने साल पुरानी दुकान है अपनी? 68 साल। 68 68 साल पुरानी दुकान है, और पुराने जलंधर का पुराना स्वाद है ये अपना। अरे वाह, ये देखो अरे पूरियाँ निकाली जा रही हैं। अंकल मैंने सुना पूरियाँ तो देखो काफ़ी शहरों में मिलती हैं, एक अपने पास कोई कराटे वाली पूरी मिलती है, इसको कटवट मारते हैं, टक वाली पूरी, वो क्या चीज़ होती है अंकल, एक बार दिखाएं वो भी। ये देखो अरे सामने पूरी लग रही है, एक बार अंकल ये दिखा सकते हैं पेड़े हम? ये देखो भाई ये पेड़े रखे हैं, और इसके अंदर भरा भी होता है अंकल जी कुछ? हाँ, पीठी भरी है। पीठी दाल की? हाँ, दाल की पीठी भरी जाती है। और ये देखिए जी, तो ये देखो भाई ये पूरी आई, और पूरी को कट मार दिए गए हैं, वाह। ओके, तो ये पूरी फूलेगी नहीं भाजी, पंचर हो जाएगी। नॉर्मल पूरी को ही कट मार मार के, इसका नाम है टक वाली पूरी बोलते हैं, वाह टक वाली पूरी। और ये बनके तैयार है? नहीं। अच्छा अभी हाफ डन हुई है, इसके बाद ये फाइनल की जाएगी, वाह। अगर थोड़ी सब्जियां दिखा सकते हैं? बड़ा सा पित्तल का पतीला है और नीचे भट्टी लगी हुई, एक बार चला के दिखाएंगे भैया। ये देखिए यार ये एकदम बढ़िया आलू, और मेरे को लगता है आपके जाने का टाइम अभी है ना, क्लोजिंग का टाइम है भाई। और ये क्या सर? आलू है, ये आलू एकदम रश्मि से, वाह ये कचालू का अचार, वाह यार। और ये साथ में गाजर है, एकदम बढ़िया। ये देखिए अपनी प्लेट लगवाते हैं जी, ये आ गए आलू, वाह एकदम बढ़िया, और जो खुशबू आ रही है ना एकदम कमाल की। ये और साथ में आ गए जी छोले, एकदम बड़े साइज का चना। अंकल जी आवाज मारे कि आ जाओ कढ़ाई वाली, ये देखो जी ये टक वाली पूरी गई, बन रही है अब। ये देखो भाई एक बार ये क्लोजअप से, ये टक वाली पूरी एक तरह से मट्टी मट्टी तैयार करी गई है, इसके साथ परोसी जाएगी सब्जी, वाह देखो का। ये देखो भाई एकदम बढ़िया प्लेट लग के तैयार। और ये देखिए जी अपनी फ्राई पूरी होगी, भैया इसकी भी एक प्लेट लगा दीजिए, ये हाफ डन करने के बाद डबल की जाती है पूरी को, वाह। ये देखो यार ये आ गए दो पीस पूरी, और सीधा टेबल के ऊपर, साथ में लेते हैं जी अपनी सब्जी। ये आ गए आलू, और ये मिक्सचर लगाया जा रहा है, कस्टमर अगर आते हैं ना यहाँ पे तो उनको मिक्स ही दी जाती है, बाकी आपकी चॉइस है, अकेले के लिए लेनी हो भैया वो भी मिल जाएगी ना। ये देखिए जी ऊपर आएगा अचार, वाह एकदम बढ़िया, साथ में गाजर, और ये हरी मिर्ची ढूंढ रहे हैं भैया आप, है ना, ये मिल गई भाई हरी मिर्ची, और ये आ गई ऊपर, और फाइनली पेड़ लग के तैयार, एकदम बढ़िया फूली हुई पूरी, पूरी क्रिस्पी भाई, मतलब पूरी पूरी क्रिस्पी, समझ रहे हो ना, जो पूरी है वो पूरी तरह क्रिस्पी है। ये मिक्सचर है, कस्टमर्स को ऐसे ही दिया जाता है, यहाँ पे अभी एक अंकल जी खड़े के खा रहे थे, तो उन्होंने कहा मिक्स करवा के लो भाई, असली मज़ा मिक्स के साथ आएगा, तो एक प्लेट हमने लिया मिक्स के साथ, अलग अलग ये छोले, और ये साथ में आलू, ये रही जी टक वाली पूरी, मतलब मट्ठी है प्रॉपर, उसको लाइव बनाया गया है। और ये एक बार पास से दिखाता हूँ मैं, ये देखिए यार वाह
ये टक लगे हुए हैं उसके अंदर और एकदम क्रिस्पी। जो भाई खाने के शौकीन है ना कि भाई पूरी फूली नहीं चाहिए, एकदम क्रिस्पी चाहिए, पूरी करा रही हो, उनके लिए ये चीज़ स्पेशल है। मिक्सचर के साथ ही पहले टेस्ट करते हैं। बढ़िया साइज के चने हैं, ग्रेवी ओ, सुबह का पहला नाश्ता और ऐसा स्वाद मिल जाए और क्या चाहिए भाई। जो लोकल जलंधर वाले ना वो बोलते हैं कि भाई ये जगह ना हमारी फेवरेट है, कि जो लोकल, क्योंकि जो शहर का असली स्वाद होता ना वो सिर्फ लोकल लोगों को पता होता और लोकल वाले कहते हैं कि यहाँ का बेस्ट है। और मैंने भी खाया, नज़ारा आया। वो अगर वो फैंसी वैंसी खा के शेफ बोर हो गए ना, और ऑथेंटिक ट्रेडिशनल नाश्ता चाहिए, डिफरेंट, इसमें मज़ा भी आए, ये दुकान मस्ट है। तो फटाफट अगली जगह पे चलो ना भाई, वहाँ पे जाके दिखाता हूँ एकदम धमाल इसके जैसा और नाश्ता। पहले पानी साफ करो मुँह से, चलो 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 चलो।